अपना खास कार्यक्रम चर्चा में केवा को लेकर हम अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में बीते दो दिनों से थे और यहाँ की क्षेत्र की जनता के बीच थे और खासकर हम जानने की ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जो है चर्चा में कौन से प्रत्याशी हैं। इसी बीच जो है चुनाव की रणभेड़ी बज गई और खासकर 28 अक्टूबर से बांका और भागलपुर में जो है चुनाव होने हैं। खासकर हम इसी बात को लेकर आज जो है क्षेत्र में मृणाल शेखर भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और खासकर अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से ये पिछली बार चुनाव भी थे, हालांकि ये पराजय का सामना करना पड़ा था और आज हमारे साथ हैं। और मुझे ऐसा लगा कि आज जो है चुनाव से रिलेटेड जो है इनसे बातचीत हो जाए और इनकी जो मनसा है, इनका जो वक्तव्य है वो आप तक पहुंचाया जाए। मृणाल जी, चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है और पहली बार पाली में ही आपकी जो है बारी है, आपकी क्षेत्र की बारी है। देखिए, आपके मुँह में घी सककर आपने मेरी बारी तय कर दी है। वैसे हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, और उसके बाद उम्मीदवारी तय होगी कि पार्टी किन्हें उतारती है मैदान से। यह अलग बात है कि 5 वर्षों तक लगातार चुनाव के बाद भी 8 नवंबर 2015 को परिणाम आए थे और 11 तारीख से मैं क्षेत्र में हूँ, दो दिन बाद से ही, और लोगों ने भी मन बना लिया है। लोग मन बना कर बैठे हैं, लोग तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। और जो लोगों का अभाव है, मेरा भी वक्त नहीं कट रहा है, क्योंकि 5 वर्ष तक क्षेत्र में रहने की बदौलत में मुझे भी पूरा यकीन है कि इस बार के लोग, अमरपुर विधानसभा के लोग, इस बार विकासवाद के लिए वोट करेंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर करेंगे, युवावाद के लिए वोट करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, वो चाहते हैं कि उनको अच्छा महाविद्यालय मिले, उनको अच्छी लाइब्रेरी वाईफाई युक्त मिले जहाँ की वो पढ़ाई कर सकें, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए अमरपुर में ही माहौल मिल जाए जिससे कि उन्हें भागलपुर या पटना न जाना पड़े। और ये बातें हैं जो युवाओं के मन में, जो खिलाड़ी हैं, जो युवा खेल के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो युवा खेल के क्षेत्र में परिश्रम करते हैं, दिन रात लगाते हैं, उनको लगता है कि अच्छा स्टेडियम हो, उनको लगता है कि हमारे यहाँ रेसिंग ट्रैक हो, जिम हो। क्योंकि मैं देखता हूँ युवा वो रस्सी खींचते हैं और उससे उनको जख्म हो जाता है। जो युवा दौड़ते हैं, देश की फौज में, डिफेंस में, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए दौड़ने का साधन नहीं है, मैदान अच्छा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि ये सुविधाएँ मिले। और जो किसान चाहते हैं कि उनके खेतों में पानी मिले, आज ये सभी चीज़ें हैं जो उनको कमी दिखती है। हमारी माताओं को, बहनों को बराबरी का दर्जा मिले, सम्मान मिले, शिक्षा मिले, इन बातों को लेकर मैंने हमेशा ही संघर्ष किया है, आवाज़ उठाई है और उनके सुख दुख में सहभागी बनने की कोशिश की है, चाहे वो कोरोना का ही काल क्यों ना हो। मैंने लगातार कोरोना में भी, आप लोगों ने देखा है बखूबी, और इस क्षेत्र के लोगों ने डेंगू हो या कोरोना हो, उनका विश्वास अन्य किसी पर नहीं है, उनका विश्वास या तो मुझ पर है या मेरी पार्टी पर है। और कोरोना में भी सेवा का कार्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निरंतर चलाया, जनता रसोई के माध्यम से हम लोगों ने देश के किसी अलग अलग कोने में फंसे हुए लोगों को सहायता पहुंचाई। अपने क्षेत्र में भी सूखा राशन हो या जनता रसोई के माध्यम से रोज हजारों पैकेट भोजन बनवाकर, जो ऐसे लोग हैं जहाँ जिनको दिक्कतें हुई, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और भी जो भी संसाधन हम लोग कर सकते थे वो किया है। और 5 वर्षों के परिश्रम का परिणाम है कि आज लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र से कमल खिले। मैं बीते दो दिनों से आपके विधानसभा क्षेत्र में हूं और खासकर गांव तक, मैं गांव के गरीब किसान मजदूरों के बीच मैंने जाकर चर्चा किया। वहां पर जनता जो है वो बदलाव के मूड में है, लेकिन एक बातें जो सामने आई कि मैं जब भी आपका उन्होंने जिक्र करा तो मैंने कहा कि उन्होंने पिछले विधानसभा हार गए थे और उसके बाद वो जो है यहाँ पर सक्रिय हैं, तो उन्होंने जनता का ये कहना था कि वो हारे नहीं हैं। तो ऐसे में मतलब वो बोल रहे थे कि जब भी मृणाल जी मेरे पास आते हैं तो ये कहते हैं कि मैं हारा नहीं हूँ, लेकिन पिछली बार तो आप हार गए थे। देखिए, जब अखाड़ा होता है, दो पहलवान लड़ते हैं, तो जीत और हार तो लगी रहती है। एक होता है वोट से हारना, मैं वोट से भले ही हार गया था लेकिन लोगों के दिल से मैंने नहीं हार, लोगों के दिल ने मुझे नहीं हराया। मुझे पता है कि चुनाव की स्थिति अलग होती है और उस समय चूँकि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था तो शायद लोग, कुछ लोग मुझे नहीं समझ पाए, जो इसकी वजह से कुछ वोटों के अंतर से मैं रह गया। लेकिन इस बार
मैंने पूरी मेहनत की और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं वोट से भले ही हार गया लेकिन मैंने हौसला और हिम्मत नहीं हारी, और इसका आज प्रतिफल है कि लोग भी चाहते हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, मैं चुनाव लड़ूँ। और ये आप खुद ही कह रहे हैं कि लोगों के मन में है, और जो लोग कहते हैं कि लोग वोट देना चाहते हैं, लोग तैयार बैठे हैं वोट देने के लिए, और उनके जहन में जो ये बातें चल रही हैं कि टिकट किसको होगा, क्या होगा, तो ये बस अब 5-7 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और पार्टी के लोग वो सब चीज़ देखते हैं, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी 5 वर्ष तक कार्य करती है। आज देखिए, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी सारे नेता पटना दिल्ली घूम रहे हैं टिकट के आस में, और मैं कहाँ हूँ? मैं तो, आप तो वहाँ खड़े थे ओरसा मोड़ के पास, मैं शंभूगंज से हमारे पार्टी के जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती मनाकर आ रहा हूँ। तो पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो पार्टी के प्रति निष्ठावान होता है और कार्य करता है। और हमारे यहाँ आप जो कह रहे हैं कि मैं हार गया या मैं वोट से भले ही हार गया, अटल जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। तो उस हार से सीख लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और यदि हार हुई थी कल तो आगे जीत भी होगी। पार्टी के लिए लड़ रहे हैं या जीत के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, पार्टी की जीत तभी होगी ना कि जब यहाँ से कमल खिलेगा, और पार्टी के लिए ही काम करते हैं। पार्टी का जो आदेश होता है हम लोग वो काम करते हैं। मैं 1994 से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में एक निष्ठ भाव से, एक विचारधारा के लिए और विचार परिवार में मैं कार्य करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कभी अपनी निष्ठा नहीं बदली, अपना सिद्धांत नहीं बदला, अपना प्रिंसिपल नहीं बदला, और मैं विचारधारा के लिए राजनीति करता हूँ, राजनीति के लिए अपनी विचारधाराएं नहीं बदलता। मैं सिद्धांत के लिए राजनीति करता हूँ, राजनीति के लिए समय समय पर मैं सिद्धांत नहीं बदलता। और यकीन मानिए, मेरी पार्टी मेरे साथ है, और मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी का निर्णय उत्तम होगा, मणिपुर विधानसभा के हित में होगा, और यहाँ से कमल खिल कर रहेगा। मृणाल जी, आप हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में केवा को जब आप देखिएगा तो उसमें आपको साफ बातें तौर पे नज़र आएगी कि आपके जो क्षेत्र की जो जनता है वो बदलाव के मूड में है। लेकिन बदलाव के मूड में कहने का मतलब उनका ये होता है कि मृणाल शेखर जी टिकट के असमंजस में पड़े हुए हैं, और वो लोग निर्दलीय की भी बात कर रहे हैं। आप हमारा वो शो जब देखिएगा तो उनका कहना है कि अगर मृणाल शेखर जी निर्दलीय आते हैं तो भी उनके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं मन में तो एक सवाल आता ही होगा निर्दलीय के लिए। नहीं देखिए, ऐसा कोई भी सवाल, ऐसा कोई भी प्रश्न, ऐसा कोई भी भाव मेरे दिमाग में कभी नहीं चलता है। और मैंने पहले भी कहा कि पार्टी हर चीज़ों को समझती है, और हमारा नेतृत्व बहुत ही सक्षम नेतृत्व है, और हर बिंदु पर विचार करती है। हमारे यहाँ जो पार्टी के लोग हैं उनको पता है कि क्या अच्छा है, क्या बेहतर हो सकता है, और ये हर चीज़ पर निगाह लोग बनाए हुए हैं। और जो लोग कहते हैं, मैं उनके भावना का सम्मान करता हूँ, वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से चुनाव लड़ेगी, और हम सब मिलकर यहाँ के लोग, और जो आप जनता कहते हैं ना, वो जनता नहीं है, ये जो ठगने वाले नेता हैं उनके लिए वो जनता होती है, मेरे लिए वो सभी मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं। सारे युवा मेरे भाई हैं, और मैं उनको भाई, और यहाँ के अमरपुर विधानसभा का हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है, और मैं उस नाते कार्य करता हूँ, और मेरे परिवार के सदस्य की जो भावना है मैं उसका सम्मान करता हूँ, और उनकी भावना का सम्मान होगा। मुझे निर्दलीय लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी पार्टी मेरे साथ है, और हर कीमत पर पार्टी के जो सिद्धांत हैं, विचारधारा हैं, हम लोग उसको पूरा करना चाहते हैं, और पार्टी भी इन चीज़ों को अच्छे से समझती है, और मुझे जरा भी संशय नहीं है इस बात को लेकर कि पार्टी यहाँ नहीं लड़ने वाली है। बिल्कुल, तो हमारे साथ भाजपा नेता और अमरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मृणाल शेखर जी थे। ये किसी कार्यक्रम से अपना जो है दौरे पर थे, और मैं भी इनके क्षेत्र में अपना खास कार्यक्रम चर्चा में केवा को लेकर आए हुए थे, तो मेरी मुलाकात हो गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मृणाल शेखर जी से, मृणाल शेखर जी की जो वक्तव्य है, इनकी जो मनसा है, वो आप तक पहुँचनी चाहिए। क्यों पहुँचनी चाहिए? क्योंकि रणभेड़ी बज चुकी है, और पहली पारी जो है 28 अक्टूबर को है बांका और भागलपुर की।